आज हम आलू की सब्जी बनाएंगे बिना लहसुन प्याज के, भंडारा स्टाइल में। जैसे भंडारे वाले आलू होते हैं उसी तरह के बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में और बहुत जल्दी से बन जाते हैं। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने आधी किलो आलू लिए हैं, इनको बॉईल कर लिया है। ये तीन टमाटर ले लिए हैं और ये मैंने ये पील कर लिए, छील लिए हैं। और 2 इंच अदरक का पीस था, इसको भी इस तरह से कट कर लिया है। इनका हमें पेस्ट बनाना है इस तरह, काट काट करके डाल देंगे। रफली काट लीजिए। ये अदरक भी डाल देंगे इसमें, एक पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है हमने, एक साइड कर देते हैं। ये हमने सरसों ऑयल लिया है, इसको इसमें डाल देंगे। जो भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं आप वो करें। वैसे ये सब्ज़ी सरसों ऑयल में बहुत अच्छी बनती है। 2 सर्विंग स्पून भर के हमने ये सरसों ऑयल डाल दिया है। इस ऑयल को बहुत तेज़ गर्म कर लेंगे। जब ऑयल में धुआं उठने लगेगा तो हम इसकी गैस ऑफ कर देंगे। भंडारा स्टाइल बना रहे हैं तो उसी तरह का हमने ये मसाला भी लिया है। तो सबसे पहले ये ऑयल में जाएगा। तो ये हमने 1/2 टीस्पून सौंफ ले ली है, 1/2 टीस्पून धनिया ले लिया है, 1/2 टीस्पून कलौंजी ले ली है, 1/2 टीस्पून ये हमने ज़ीरा ले लिया है। तो सबसे पहले हम ऑयल में यही डालेंगे। तो ये इसमें डाल देंगे, स्लो रखेंगे। और ये 1/4 टीस्पून हमने हींग ली है, ये भी ज़रूर जाएगी। 3 तेज पत्ता है, ये इसमें डाल देंगे। ये से छोटा सा पीसेस दालचीनी का, ये इसमें डाल देंगे। और ये 3 हरी मिर्च हैं, ये भी इसमें जाएंगी। फ्लेम को स्लो ही रखना है, तभी इनका अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आएगा मसालों का। टमाटर अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये थोड़ा सा पानी डाल दिया है, इसे हिला करके जार को अच्छी तरह से हमें टमाटर को भूनना है। अच्छे कलर के लिए 1/2 टीस्पून ये हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये डाल देंगे। बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है, ये तेज़ नहीं होती है। आइए एक और मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए ये हमने 4 टीस्पून भर के दही ले ली है, ये खट्टी दही नहीं है, 1/2 टीस्पून से कम है। हल्दी डाल देंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून ये तीखी लाल मिर्चें, ये डाल देंगे। हमारे यहाँ कम खाते हैं, आप जिस हिसाब से खाते हैं आप उस तरह से डालें। अभी हम इसमें नमक नहीं डालेंगे, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक बहुत शानदार सा मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए गैस की साइड चलते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से टमाटर भून चुके हैं। अब ये दही वाला मसाला डाल देंगे। इसमें भी थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है, तो इसमें पानी ले लेंगे हम। थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल देंगे और जल्दी जल्दी चलाएंगे इसको। ये ज़रूरी नहीं है लहसुन प्याज से ही खाना बहुत अच्छा बनता है, बिना लहसुन प्याज के भी हम बहुत शानदार खाना बना सकते हैं। मसाले में जब तक बॉईल नहीं आएगा हम चलाते रहेंगे, दही फटने का डर रहता है। फ्लेम को स्लो ही रखें। ये देखिए बॉईल आना शुरू हो गया है। अभी तक मसाले में हमने नमक नहीं डाला है, तो अब इसमें नमक डाल देंगे 1/2 टीस्पून। और ये काला नमक है, ये भी डाल देंगे, इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, ज़रूर डालें। मिक्स करेंगे और बहुत अच्छा सा मसाला भून करके तैयार कर लेंगे। 5 मिनट लग सकते हैं। देखिए कितना शानदार लग रहा है मसाला। ये देखिए अब हम इन आलुओं को इस तरह से तोड़ लेंगे, हमें मोटा मोटा ही इनको करना है। ये देखिए बहुत इजीली हो जाते हैं, ये इसी से ही इसका टेस्ट आता है। सब्ज़ी को और भी ज़बरदस्त बनाने के लिए ये हमने किचन किंग मसाला लिया है, ये इसमें जाएगा। हमने 1/2 टीस्पून डाल दिया है, अगर आपके पास है आप डाल दें, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना शानदार सा मसाला बनकर तैयार हुआ है, वाह क्या बात है। हम पानी डाल देंगे, करीब 1 गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि हमें ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी है।
कवर कर देंगे, बॉईल आने देंगे। आइए चेक कर लेते हैं, पानी में बॉईल आ चुका है। पहले पानी को बॉईल करने से इसका कच्चापन निकल जाता है। ये सारे आलू हम इसमें डाल देंगे। इसमें नमक टेस्ट कर लें। दो तीन मिनट इसी तरह इसको हाई फ्लेम पर बनाएंगे। आइए चेक कर लेते हैं, क्या बात है, ये धीरे धीरे थिक हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए, ये हमने थोड़ी सी हाफ टी स्पून मेथी ली है, ये इसमें डाल देंगे। ज़बरदस्त मिक्स करेंगे। हम आपको बेस्ट से बेस्ट रेसिपी देने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए आप हमारी लास्ट तक वीडियो देखा करें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऊपर से ये चार हरी मिर्च भी डाल देंगे, बाद में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हरी मिर्च का जब बाद में डालते हैं। तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और 5 मिनट तक इसी तरह बनने देंगे। 5 मिनट से सब्ज़ी बन रही है, गैस ऑफ कर देंगे और काफ़ी सारा सा हरा धनिया डाल देंगे। लग रही है ना शानदार, और खाने में भी इतनी ही शानदार है ये। आप इसे पूरी के साथ, राइस के साथ, चपाती के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है। वाह क्या बात है, आइए सर्व कर लेते हैं।